न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आँखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेस एनी कलर रुपीज 99 ऑनवर्ड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन 7H न्यूज। सच को रखे आपके आगे। विखराबाद के रहने वाले दाऊद खान ने जो AIMIM के ही बता रहे हैं, चारमीनार MLA जुल्फिकार अली को कॉल करके ये कहा कि खुर्शीद जा की देवड़ी में रहने वाले खालिद बिन माजिद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, हालांकि खालिद बिन माजिद भी AIMIM के ही हैं। तो इन्होंने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत से साहब? रमजान मुबारक आपको। रमजान मुबारक बोला आपको। सलाम। वही अल्हम्दुलिल्लाह साहब, इतना अच्छा काम कर रहे हैं साहब, बहुत खुशी। दाऊद खान बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, वखाराबाद से दाऊद खान बात कर रहा हूँ। आप इतना अच्छा काम कर रहे साहब, बहुत खुशी है हमारे को। मगर एक बात थी साहब आपसे मेरे को। हाँ बोलिए। ये जो खुर्शीद शाह की जोड़ी जो खालिद बिन माजिद जो है अपनी जमात में, ऐसा ये झूठे सच्चे केसा बुक करा देना, ऐसा करना खाली पीली जमात का नाम खराब कर दे रहे ना साहब। उन्हों लीडर साहब देखेंगे क्या है। देखो साहब, देखो जमात का खाली पीली नाम खराब हो जाता है साहब। अपन जमात तो इतना अच्छा कर रहे हैं, आके ऐसा करे तो कैसा होना साहब, लोगों की हाय ने सो बदवा ने सो कैसा। झूठे सच्चे केसा बुक करा देना, लोग आवाम जो रहती है साहब, आवाम की खिदमत करने के लिए है ना साहब जमात, है नहीं? हमारे सदर साहब क्या बोलते, किसी का बुरा नहीं करना बोलते, अच्छा करना बोलते। ये खालिद बिन माजिद जो है, जाके बच्चे की खाली पीली जिंदगी खराब कर दी है, जाके उनके घर वालों को लेके जाके छोटे बच्चे के साथ बुक करा देना, उनके बच्चों को सिखा देना, ऐसा काम करना गलत है ना सर। आप तो मालूम है ना मेरे को, मालूम है क्या है सर। देखिए साहब, मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे तो मैं भिजाता हूँ, आप देखो कैसे कैसे काम कर रहे हो। उनको जमात में रख के भी बेकार है साहब। पूरी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। जी, इस वजह से मैं आपको कॉल करा था। कई को बोले तो क्या है, जमात में नाम खराब होगा तो एक बार कई जने क्या है जमात को कैसे कैसे बात करते मालूम है ना आपको। अरे करने वाले करते, कर देगा, जमात तो है, जमात है। नहीं, लोगों को और मौका मिल जाता साहब। ये जो लोग कुछ भी काम नहीं करते, खाली बैठ के जमात के खिलाफ बोलते रहते। हाँ, मगर ये खालिद बिन माजिद को क्या है बोले तो साहब, ये खाली आप बोल देना था एक बार, एक बार चाहे से कामा करने से बोल देना था आपने, तो जमात में से बर्खास्त कर दो। मेरे को नहीं मानूंगा भाई, मेरा इख्तियार नहीं है, मेरे को नहीं मानूंगा क्या है। जी देखिए, आप अगर भेजाओ तो भेजा तो बात करते हैं, जमात में बेकार है, रख के भी बेकार है साहब। नहीं तो जमात का नाम पहली बात तो क्या है मालूम साहब, अपन जमात के लिए अपन, और जमात को कोई उंगली उठाया तो अपने को बर्दाश्त नहीं होता। जी हाँ, क्योंकि देखो साहब, ये जमात में रह के ऐसे काम करना, जाके झूठे सच्चे केसा बुक करा देना, बच्चे की जिंदगी खराब हो गई था वहाँ पर। देखो भाई, वो उनका जाती मसला है। जी नहीं नहीं, वैसा नहीं, जो हक पे हमको नहीं मानूंगा, जो हक पे है। नहीं नहीं साहब, जो हक पे है वो हक पे करो, जो बेहक है उस पर जाके खाली पीली उंगली करना, लोगों की बीचों में जाके ऐसा करना, जमात का हूँ मैं बोले तो जमात का नाम लेके गलत काम करना बोले तो सदर साहब भी माफ नहीं करते ना सर। नहीं, जमात तो नहीं बोली ना किसी को। नहीं, ऐसा जमात का नाम लेना भी वो है ना सर, अपना एफटीआर अपन करे तो सही है, जमात का नाम लेके हमें डराना, लोगों को धमकाना, वो तो वो कैसी बात हो गई, वो गलत है ना सर। भाई आप खानाबाद में रहते बोले। जी मैं यहाँ बाद में, तो मेरे को नहीं मालूम, एरिया का MLA हूँ, मेरे को नहीं मालूम। खानाबाद में रहते आपको कैसा मालूम हो जा रहा? इन्फॉर्मेशन हमारे पूरे वहाँ पर लोग रहते साहब, कई आवाम भी रहती जो मेरे को चाहने वाली भी रहती। अब कोई चाह के भी कोई फोन भी करता है मेरे को, भाई इसी बात है साहब, साहब आप जरा बात तो करो, बोलता अल्हम्दुलिल्लाह जमात का हूँ साहब मैं। जी हाँ, क्योंकि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई तो मैं आपको कॉल कराऊंगा ना साहब, नहीं तो मैं क्यों करूँ। आप जमात के ना मिले फिर बात करेंगे आमने सामने। मगर देखिए साहब, जरा ये जो है तो ये आप जरा उनको बोल दीजिए साहब। सुने जी जी
आप जरा इनको बोल दीजिए, बोल रहा हूँ मैं साहब, लीडर साहब को ऐसे गामा गमा बेकार है मत करो, बोलो साहब। इंशाल्लाह मैं आऊंगा, इसमें मुलाकात करूंगा मैं आपसे आके। जी जी हाँ, आपसे मुलाकात करूंगा, आपके गामा इतने अच्छे है साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ देंगे आपको। दरअसल भाई से बात करिए, शुक्रिया आपका, हमारे काम में कुछ करा रहे हैं आप। नहीं नहीं मजाक नहीं साहब, मैं आऊंगा इंशाल्लाह, दारुसलाम बल्कि आपसे जाके मिलूंगा डायरेक्ट। ठीक है साहब, शुक्रिया साहब, जरा बोल दीजिए आप। जी 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 ठीक है साहब। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक, हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल, अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेस एनी कलर रुपीज 99 ऑनवर्ड। जो हजरत 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उमरा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाबकट्टा मेन रोड अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह, मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की, 7H न्यूज। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।